गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स। यहाँ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। फॉर एग्जांपल, 3+√2 इज इरेशनल, √2-5 इज इरेशनल। Next, the product and quotient of a non-zero rational number with a irrational number is always irrational. Product means √3 × 2 kiya, 2√3. √3/5 quotient yani ki division ho gaya, this is also irrational. Yahan pe rational number non-zero hona chahiye. Agar zero se multiply kare kisi bhi number ko to product hamesha zero hota hai. Zero se divide kare to we get infinity. And zero upon any rational or irrational number is always zero. Third point is, if we add, subtract, multiply or divide to irrational numbers, we may get rational number or an irrational number. For example, 3+√2 + 3-√2 is equal to, is √2 se √2 kat gaya, तो 3+3 दैट इज 6 विच इज अ रैशनल नंबर। 3+√2 + √2 इज 3+2√2 दैट इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली डिफरेंस भी इसी तरह से हमें रैशनल या इरेशनल मिल सकता है। 4√3 × √2 दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट किया तो वी गेट 4√6 विच इज़ एन इरेशनल नंबर। इसी तरह 4√3 को अगर √3 से प्रोडक्ट कराएं तो वी गेट 4 × 3 दैट इज 12 विच इज़ अ रैशनल नंबर। सिमिलरली जब हम डिवाइड भी कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को तो हमें आंसर रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। दीज कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड to find whether the given expression is a rational or irrational number, and also we use these to rationalize the denominators. For example, हमें number दिया है 1/√5, denominator को rationalize करना है, यानी कि denominator को एक rational number बनाना है। हमने √5/√5 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर हो गया 5, वेल न्यूमरेटर इज √5, नाउ दिस डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 1/√2 + 3 इसको रैशनलाइज करना है अगर हमने, तो √2-3/√2-3 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रहे जब रैशनल इरेशनल नंबर के बीच का साइन प्लस होगा तो यहाँ हमें माइनस लेना है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लेते। जो डिनोमिनेटर लेंगे वही न्यूमरेटर लेंगे। दिस इज इन अ वे वी आर फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर बिकम्स √2-3 व्हाइल द डिनोमिनेटर इज √2² - 3² दैट इज डिनोमिनेटर इज 2-9 दैट इज डिनोमिनेटर इज -7 एंड दिस इज अ रैशनल नंबर। सो वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर। Based on these concepts, you can now attempt exercise 1.5 of the NCERT textbook. If you have any difficulty, please let me know. Thank you.